सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार 16 जुलाई को कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से कहा कि वो सिंचाई परियोजनाओं और अन्य अवसंरचनाओं समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों को देश में सिंधित भूमि को बढ़ाने के उद्देश्य से कर्ज प्रदान करने पर ध्यान देना चाहिए। कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों से शाह ने कहा कि सहकारिता बैंकों को केवल बैंकिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि खेती के विस्तार, उपज बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र का डेटा बेस बनाने का काम शुरू कर दिया है। सहकारी क्षेत्र का कोई भी डेटा बेस नहीं है और डेटा बेस नहीं होने पर क्षेत्र के विस्तार के बारे में नहीं सोचा जा सकता। उन्होंने कहा कि ARDB सिंचाई परियोजनाओं और अवसंरचनाओं समेत कृषि क्षेत्र को लंबी अवधि के और कर्ज देने पर ध्यान दें। छोटे किसानों के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सहकारी बैंकों को इस बारे में सोचना चाहिए कि सहकारिता की भावना के साथ इस तरह के छोटे खेतों में किस तरह से काम किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया, भारत में 49.4 करोड़ एकड़ कृषि भूमि है, जो अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा है। यदि पूरी कृषि भूमि को सिंचित किया जाए तो वो भारत पूरी दुनिया का पेट भर सकता है। शाह ने कहा, बीते 9 दशक से देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अलग अलग नाम से चल रही हैं। आजादी के बाद से 70 सालों में 64 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य बनी, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 8 साल में 64 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में वृद्धि हुई। कृषि का निर्यात पहली बार $50 अरब को पार कर गया है।